आफ्टरनून स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्वेल्थ क्लास का एमपी बोर्ड का ट्वेल्थ क्लास का ये मैथमेटिक का पेपर है। ठीक है, ये आपका देखिए सीरियल नंबर है, हायर मैथमेटिक उच्च गणित। ठीक है, इसके मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, सभी आंसर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि GOF ज्ञात करने पर इसका मान यदि fx इक्वल टू ये है और gx इक्वल टू ये है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी आंसर। ठीक है, इसका सेकंड वाले का जो आंसर है वो होगा बी। ओके, थर्ड वाला, अगर 3x3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है तो उसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि x/dx - y 2x² का समाकलन गुणांक क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 6, यदि a 3x3 कोटि का वर्ग अवयव है तो k a का मान ज्ञात कीजिए, तो वो मान होगा ये, यानी b इसका सही आंसर है। अगर इंग्लिश में इसको देखना चाहें तो इंग्लिश में ये सी इसका करेक्ट आंसर है, इसमें बी करेक्ट आंसर है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए है ये, और इसका जो आंसर है वो आपका डी आंसर करेक्ट है, और इसमें आपका 1/c ऑप्शन करेक्ट है, और इसमें आपका 1/x ऑप्शन करेक्ट है, और इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हम चलते हैं अब रिक्त स्थान पे, यानी कि फिर इन द ब्लैंक्स में। तो अगर a इक्वल टू 4, 5, 6 हो, 6 में अवयव 4, 5 वाले तुल्यात्मक संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो इसकी संबंध संख्या होगी 2। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक्स का जो आंसर होगा वो होगा π/2। ठीक है, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, तो पी ए इंटू पी बी होगी। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें एक्स इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, इसका ग्राफ कहाँ पर बनेगा, तो इसका ग्राफ जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे या प्रथम चतुर्थांश पे बनेगा। ठीक है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, जो डिटरमिनेंट दे रखा है 1 ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा का वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, इसके बाद यदि y = x + log x है तब dy/dx की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 + 1/x। ठीक है, दो समतलों, ये जो एक पहला प्लेन दे रखा है, ये दूसरा प्लेन दे रखा है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो कितनी होगी, दूरी होगी 2/(mod 29), ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मेज द कॉलम, इन्हें सही जोड़ी बनाना है इसकी, तो फर्स्ट का जो आंसर है वो कितना है, सी है। ठीक है, सेकंड का जो आंसर मिलेगा आपको, सेकंड का आंसर है ये देखिए, सेकंड का आंसर आपको ई मिलेगा। ठीक है, थर्ड का आंसर ए है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड का आंसर है ई, थर्ड का आंसर है ए, आंसर है एफ, फिफ्थ का आंसर आपका है डी। ठीक है, एंड सिक्स्थ का आंसर आपको मिलेगा बी। तो ये आपके सारे मेज द कॉलम में, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ मेज द कॉलम, ये सही जोड़ी बनाओ, इसके आंसर है फर्स्ट का सी, सेकंड का ई, थर्ड का ए, फोर्थ का एफ, फिफ्थ का डी, एंड सिक्स्थ का बी, ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले, यानी कि जो फोर्थ क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द का एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इष्टमान फलन क्या होता है। तो इष्टमान फलन वो फलन होता है जिसका अधिकतम और न्यूनतम मान जो प्राप्त करते हैं उसको हम इष्ट फलन कहते हैं। एक लीप ईयर में अगर 53 शुक्रवार है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी प्रायिकता होगी 2/7। ठीक है, और कोस एक्स डी एक्स का अगर इंटीग्रल करेंगे 0 to π/2 लिमिट से, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, नाउ लॉग एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग एक्स माइनस एक्स, ये इसका आंसर होगा। रिक्त संबंध की परिभाषा लिखना, रिक्त संबंध यानी कि जिसमें कोई भी अवयव ना हो, अवयवों की संख्या इसमें क्या होती है, ऐसा संबंध जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो, उसको हम रिक्त संबंध कहते हैं। एक्स वाई और जेड के दिक कोसाइन लिखिए, तो दिक कोसाइन अगर एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं तो आप होगा, इसका होगा आंसर 1, 0, 0। ठीक है, और अगर वाई एक्स की बात कर रहे हैं तो ये होगा 0, 1, 0, और अगर जेड एक्सिस की बात करें तो ये होगा 0, 0, 1। ठीक है, यदि पी ए इक्वल टू 2, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1, तो पी बी अपान ए का मान कितना होगा, तो होगा 1/2।
ठीक है। इसी को अगर इंग्लिश में देखना चाहें कि व्हाट इज द ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन, तो मैंने आपको बता दिया दिस दिस फंक्शन विच हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वी कैन फाइंड इज कॉल्ड ऑप्टिमल वैल्यू। सेकंड वन, व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर विल कंटेन 53 फ्राइडे, इट द आंसर इज 2/7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 cos x dx इज 1। Then the what is the value of log x dx is log x minus x. Write the definition of MPT relation, the relation which have no element. Write the direction cosine of x, y and z axis. So if x axis the direction cosine is 100, for y axis the direction cosine is 010, and for z axis the direction cosines are 0, 0 and 1. Okay. Now the question number 7th, if PA equal to 2 and PB equal to, then what is the value of PB upon A? The value is 1/2. Okay. Now next question is निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य लिखे, यानी कि true false आपको बताना है। तो first जो है वो false है, second true, third true, then fourth false and fifth also false and sixth is true. ओके, दीज आर द आंसर, मीन्स इसका जो आंसर होगा, इसके आंसर होंगे एफ टी टी एफ एफ एंड टी, दीज आर द सिक्स आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।